अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ अजमल और मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इस कोर्स में आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे और उनके अलावा असाइनमेंट्स और एग्जाम्स भी होंगे। तो आइए आज के इस पहले लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तारीख जो है वो साइकोलॉजी की तारीख जितनी ही पुरानी है। हम सबसे पहले प्लेटो के बारे में यानी अफलातून के बारे में बात करेंगे। प्लेटो इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल मॉडर्न साइंसेस। अफलातून के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी जदीद नज़रियात हैं, जितनी भी फिलॉसफी में डेवलपमेंट हुई है, साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, उसकी जो इब्तिदा है वो अफलातून से हुई। नाउ हु वाज प्लेटो? प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसोफर बिफोर क्राइस्ट, लॉन्ग बिफोर क्राइस्ट, इन द प्राइम डेज ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, हु पॉजिटेड सम आइडियाज अबाउट हाउ द ह्यूमन माइंड थिंक्स, यानी हमारा जहन किस तरह से सोचता है, उसमें ख्यालात कहाँ से आते हैं, वो किस तरह से तसव्वुरात उसमें जन्म लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में प्लेटो की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी। तो आइए देखते हैं कि वो क्या आइडियाज़ थे। और वो आइडियाज़ ये थे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटो सेड दैट आइडियाज़ आर इनेट। अब ये तसव्वुर पेश किया प्लेटो ने सबसे पहले कि आइडियाज़ जो हैं, जो तखय्युल है, जो ख्यालात हैं, जो भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो इंटरनल हैं इंसान के। इंसान उन्हें सीखता नहीं है माहौल से, बल्कि वो इंसान में शुरू से होते हैं। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने वो इंसान के जहन में डाले होते हैं। और इसी के साथ प्लेटो का एक और आइडिया है कि विजिबल वर्ल्ड जो है, जो भी दुनिया हमें नज़र आ रही है, इट इज़ एन इल्यूजन, ये हकीकी नहीं है बल्कि ख्याली है। Now this is the idea that led to mysticism, that led to the development of mysticism, और Islamic Sufism में भी इस idea का बहुत crucial role है। लेकिन इस वक्त हम mysticism के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा subject matter जो है वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, cognitive psychology है। हम सोचते कैसे हैं, हम जानते कैसे हैं, हमें चीज़ों का इल्म कैसे होता है, तो इसलिए we will not get into mysticism today, but we will talk about Plato's ideas at some length in order to understand the roots of cognitive psychology. Plato ने यह भी कहा कि जो objects हमें नज़र आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत है, लेकिन they are mere shadows of reality. Reality नहीं है वो, लेकिन reality के shadows जैसे होते हैं, वैसे वो objects हैं। वो रियल ऑब्जेक्ट्स की याद दिला रहे हैं, और रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका तसव्वुर हमारे जहन में। तो ये दिस वाज बेसिकली एन आइडिया। लेकिन सवाल ये कि इसका, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस तो हैं, इसका साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है? तो साइकोलॉजी के बारे में व्हाट आई वुड से इज दैट द क्रूशियल पॉइंट इज प्लेटो इज सेइंग दैट परसेप्शन इज एन इंटरनल प्रोसेस। यानी हम किसी चीज को देखते हैं तो उसे अपने अंदर देखते हैं, हमारा दिमाग देख रहा होता है, बाहर कुछ नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज एन आउटसाइड रियलिटी। आउटसाइड में सिर्फ शेडोज हैं, जो हकीकत है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर ही एक निज़ाम है जिसके जरिए हम चीज़ों को देख सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल आइडिया, जिसने के मिडिल एजेस में और उसके बाद जदीद दौर में भी बहुत सी डिवेलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है।
अब सवाल यह पैदा होता है कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी. अब आप लोग साइकोलॉजी पढ़ने आए हैं, आप कहेंगे कि ये हमें किस मुश्किल में डाल दिया है. फिलॉसफर्स टॉक अबाउट डिफिकल्ट थिंग्स, फिलॉसफर्स टॉक अबाउट डिफिकल्ट आइडियाज, सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग फिलॉसफी. नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी इज क्रूशियल, बिकॉज the ideas that are being discussed in cognitive psychology are also central ideas of what has been known as mental philosophy over the last 2000 years. The question of perception, jaise maine aapko Plato ki example di thi, Plato used to say the ideas are all internal, and then there is also the notion ye jise hum positivism kehte hain ke ideas are not internal at all. ये जो प्लेटो की पोजिशन से जो एक्सट्रीम ऑपोजिट पोजिशन है वो ये है कि देर इज एन आउटसाइड रियालिटी एंड वी सी इट एज इट एग्जिस्ट, यानी जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है वो वैसा ही है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हमारे परसेप्चुअल सिस्टम के अंदर. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए ये इशू भी अहम है कि एक तरफ ये पोजीशन है कि जनाब सारी परसेप्शन, सारे आइडियाज, सब कुछ इंसान के जहन में है, दूसरी तरफ ये पोजीशन कि जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे माहौल में है, वट एवर एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वी सी इट एज इट इज, देर इज नो चेंज इंटरनली in the process of perception. So, isko jo hum jis field mein, philosophy ki jis field mein hum usse study karte hain, usse kehte hain epistemology, yani study of knowledge and its origin. Hume jo interest hai epistemology mein, wo cognitive psychologist ke liye ek must hai, ki knowledge kya cheez hai, kahan se aati hai. Ab going back to Plato's original question, Plato's original position, that where do we come from? Uske liye ye kehna hai ki jo knowledge ka issue hai, wo is baat se linked hai ki hum kaun hai aur kahan se aaye hain aur kahan ja rahe hain. So, jise philosophy mein kehte hain ontology, hamari existence ki haqeeqat kya hai, hum kaun hai, insaan ki zindagi mein kya maqsad hai, kya. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, हम मिस्टिसिज्म डिस्कस करने नहीं आए हैं और फिलॉसफी भी हम उतनी ही डिस्कस करेंगे जितनी कि हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इश्यूज को समझने की हमें ज़रूरत है. तो ऑन्टोलॉजी यानी एग्जिस्टेंस का इल्म और एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज का इल्म, दोनों आपस में लिंक्ड है. सो इफ वी से दैट वी आर डिवाइन, दैट वी कम फ्रॉम गॉड एंड दैट nothing exists except God and everything is an illusion, jo ki Plato ka central idea tha, so then we would also say that knowledge is internal and that there is no change affected in it by the outside world, kyunki outside world ek illusion. Dusri taraf positivism mein ye kaha ja raha hai, jaise maine aapse pehle arz ki thi, कि जो कुछ भी है बाहर हमें वैसा ही नजर आ रहा है. तो पॉजिटिविज्म जो है एपिस्टेमोलॉजी की एक शाख है, या उसमें हम कह सकते हैं कि एक पोजीशन है, और उस वो पोजीशन आती है मटेरियलिज्म से. मटेरियलिज्म विच प्रपोजेज दैट देर इज नो इंटरनल सुप्रा मटेरियल एंटिटी, यानी गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है वो मैटर में है. सो दैट इज द मटेरियलिस्टिक पोजिशन, जिसे हम लोगों को कहते हैं ना कि फला बंदा बहुत मटेरियलिस्ट है, यानी बहुत मादियत परस्त है, उसे वैल्यूज का, उसे इंटरनल चीज़ों का, रिलीजियस वैल्यूज का, अखलाकी वैल्यूज का कोई एहसास नहीं है, वो सिर्फ मैटर से गवर्न होता है. तो साइंस में या फिलॉसफी में मटेरियलिज्म उस पोजिशन को कहते हैं जो अज्यूम करता है कि सब कुछ नेचुरल प्रोसेस जो मैटर के अंदर हुए हैं उनसे रियलिटी बनी है, और अगर ये रियलिटी है तो उसमें एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी अपनी एक हकीकत है और उस हकीकत में उसकी नॉलेज
जो है वो हमें अपनी सेंसेस से हासिल होती है। तो ये था एक, जिसे मैं कहूँगा, मुख्तसर तारुफ उस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का जो हमारे उन क्वेश्चंस के साथ डील करती है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सेंट्रल है। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये तो आइडियाज चले काफ़ी देर तक, इनकी आपस में जंग सी रही, कुछ लोग इननेट इंटरनल आइडियाज की बात करते रहे, कुछ लोग एक्सटर्नल रियलिटी की बात करते रहे। फिर एक नई शाख जो है फिलॉसफी की, उसने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। या शुरू में से सिर्फ बाज लोग सिर्फ साइकोलॉजी इसी को कहते थे, जो कि विलहेल्म वुंड ने 1890s में जिसकी इब्तदा की। नाउ दिस वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, दिस वॉज इन लाइप्सिक जर्मनी। और इसमें जो काम किया जा रहा था, जो तजुर्बात किए जा रहे थे, वो सारे इस बात से मुतालिक थे कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे टच करते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सूंघते हैं वगैरह। दिस एक्चुअल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वॉज ऑल्सो कॉल्ड साइकोफिजिक्स बाय सम, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो मुझे लगती है कि आप एक बिल्कुल तारीक कमरे में दाखिल हो जाएंगे, बिल्कुल तारीक, आपको कुछ नजर नहीं है, ठीक है, यू कांट सी अ थिंग, एंड सडनली समबडी स्विचेस ऑन अ लाइट बल्ब ऑफ 50 वॉट्स। ठीक है, तो 50 वॉट्स लाइट की जो रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो आप फील करेंगे, बहुत ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे से आप अच्छी खासी रोशनी में आ गए। नाउ लेकिन आप ये नोट कीजिए यहां पे बात कि लाइट जो है उस वक्त वो 50 वॉट्स उसकी फिजिकल इंटेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और लाइट बल्ब ऑन कर दिया जाता है उस कमरे में जहां के 50 वॉट्स की लाइट ऑलरेडी मौजूद है, और उस नई लाइट बल्ब के पीछे जो एनर्जी है वो भी 50 वॉट। आप सोचिए कि क्या उस दूसरे बल्ब के जलने के बाद आपको उतनी ही इंटेंसिटी महसूस होगी जितनी के तारीकी से 50 वॉट में जाने को हुई। तो जाहिर है कि नहीं, अब आपको लगेगा कि रोशनी हुई है कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई जो बिल्कुल तारीकी से 50 वॉट में जाने पर हुई थी। Now this is a very important point, क्योंकि फर्ज कीजिए कि उस कमरे में एक बड़ा हॉल है और उसमें 100 ऐसे बल्ब मौजूद हैं 50-50 वॉट के, और जब 99 बल्ब उनमें से जलाए जा चुके हैं तो क्या आप महसूस भी करेंगे जब 100वां बल्ब जलाया जा रहा हो। Now this was a very interesting phenomenon for psychologists. They said if we have from 0 to 1 we feel the intensity the most, and from then on things start to decrease in their impact on our system. So that is why this relationship between the physical world and the psychological world was called psychophysics, and people were interested in this relationship. Ki ye jo relationship hai hamara outside world ke sath, ये बिल्कुल डायरेक्टली लीनियर नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। 0 से 50 वॉट की इंटेंसिटी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, 50 से 100 वॉट की इंटेंसिटी हमें उससे कम महसूस होती है, 100 से 150 उससे और भी कम होती है, एंड सो ऑन। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब आगे देखिए, इसमें एक और चीज थी जिसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में यह था कि वो लोगों से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो करते थे विलहेल्म वुंड और उनके साथी, लेकिन फिर वो उनसे पूछते थे, दे यूज्ड टू आस्क देम व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड, एंड दे यूज्ड टू ऑब्टेन डिटेल्ड रिपोर्ट्स। उनसे मुफस्सल लिखवाते थे वो कि जनाब आपने क्या महसूस किया, आपने क्या सोचा इस दौरान,
क्या चीज़ें आपके जहन में हुई और उस अकाउंट को जो है इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि बाद साइंसदानों का ख्याल था कि ये अनसाइंटिफिक है और ऐसा कुछ लोग साबित भी कर सके। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है और उस पर यह क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ पे इस वक्त एक इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो आई वुड आस्क यू टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप किसी को अपने घर के जो नज़दीक तरीन अस्पताल है वहाँ से अपने घर का रास्ता समझा रहे हैं। तो आप फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे उनसे बात कर रहे हैं किसी हिसाब से और उन्हें ये बता रहे हैं कि भाई जो आपके जो मेरे घर के नज़दीक तरीन जो अस्पताल है वहाँ से मेरे घर का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले ये कि आपने अस्पताल को जहन में लाएं। अब जब आप अस्पताल को जहन में लाएं तो उसके बाद वो रोड आपके जहन में आएगी जिस पे वो अस्पताल वाक़ है, फिर वहाँ से राइट मुड़ जाइए या लेफ़्ट मुड़ जाइए, जो भी आप उन्हें डायरेक्शंस देंगे उनको तसव्वुर करें, ठीक है। तो आप अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपके जहन में क्या आ रहा है? क्या आपके जहन में वो तस्वीर आ रही है? क्या आपके जहन में एक इमेज आ रहा है उस सड़क का, या आपके जहन में उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं कि दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, या आपके जहन में इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं कि टेक अ लेफ्ट टर्न हियर एंड टेक द सेकंड राइट फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड एंड आई एम रिलाइंग ऑन व्हाट यू आर टेलिंग मी। एंड यू विल सी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बाद में जिनमें हमें जो पर्सन की रिपोर्ट्स हैं उनमें रिलाय करना पड़ा है, बट इट इज मच मोर साइंटिफिक देन दिस। सो समिंग अप इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन में होता यह है कि आपको कोई काम करने को दिया जाता है, कोई चीज़ तसव्वुर करने को दी जाती है, कोई चीज़ इमेजिन करने को दी जाती है, एंड देन यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इट एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट अबाउट इट। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जितने लोगों ने भी इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया होगा सबके अकाउंट्स मुख्तलिफ होंगे। कुछ तो इस वजह से कि लोगों का इजहार मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ इस वजह से भी कि लोगों का एक्सपीरियंस भी मुख्तलिफ होता है। सो नाउ एंड सम पीपल हैव ग्रेटर एबिलिटी टू इमेजिन थिंग्स स्पेशली, अदर पीपल हैव पुअर एबिलिटी टू इमेजिन थिंग्स। तो ये सारे इतने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की रिपोर्ट पे बेस करके हम कोई हतमी नतीजा नहीं निकाल सकते, स्पेशली साइंटिफिक। तो ये थी इंट्रोस्पेक्शन। नाउ वी लुक एट अनदर डेवलपमेंट। जब इंट्रोस्पेक्शन वगैरह का काम जो था उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, उसी जमाने के आसपास एक रूसी साइंसदान इवान पावलोव ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट जो है वो अपनी एक ऑब्जर्वेशन पे बेस किया और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो रिसर्च कर रहा था, ही वाज रिसर्चिंग विद डॉग्स एंड देयर सैलिवेशन लेवल्स। व्हाट ही फाउंड वाज दैट एवरी टाइम ही केम टू फीड द डॉग ही रैंग अ बेल एंड व्हाट ही नोटिस्ड वाज that dogs started to salivate as soon as they heard the bell. So, jaise hi kutte ne ghanti ki awaaz suni, usne salivate karna shuru kar diya, kyunki ghanti ki awaaz hamesha us waqt bajti thi jab usse feed kiya jata. Pavlov ne isse ye natija nikala ki kisi ko agar aapne koi cheez sikhani hai, kisi se aapne koi रिस्पॉन्स एलिसिट करनी है, किसी से आपने कोई किसी किस्म का भी बिहेवियर उसे ट्रेनिंग देनी है उसकी, तो ऐसी चीज़ के साथ उसे लिंक कर दीजिए जो कि उसके लिए लाजमी हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सो व्हाट ही डिड वाज ही पेयर्ड द बेल विद द फीडिंग एंड द डॉग वुड सेलिब्रेट
Then he said, instead of the bell, can I use a light? So he used a light, and the light came on, the dog was fed. The light came on, the dog was fed. And this was repeated over and over again. And then when the light came on, even if there was no food, the dog would start to salivate again. So in this we would call the bell or the light as the unconditioned stimulus. So jo conditioned stimulus hai, wo bell ya light hai. Unconditioned stimulus, yani wo stimulus jo ke har hal mein dog ko salivate karne pe majboor karta hai, wo stimulus unconditioned stimulus. Aur wo jab bar bar unconditioned response ke saath, yani salivation ke saath match hota hai, to usse pehle conditioned stimulus ko bar bar lane ko, yani ghanti ko ya light ko food ke saath bar bar pair karne se, wo stimulus jo hai condition ho jata hai aur response bhi condition ho jati hai, yani aapko conditioned response milti hai. Ab jab aapne ghanti bajayi ya roshni jalayi, to dog would start to salivate. And when the dog salivates, we call it now a conditioned response. So ye thi learning mein ek breakthrough aur isse learning theory ki ibtida hui. Ab dusri iski jo form thi wo ye thi ki agar aap dekhen to ye to aisi cheezon ke liye hai jaise ki salivate karna. Ab aapke samne khana rakh diya jaye to aapke muh mein pani aa jaye. Now that is not really behavior. Hum agar human behavior ko dekhe to wo bahut complex hai. There are too many subtleties of all different kinds. So behavior mein sirf ye nahi hai ki janab aapko khana dikhaya aur aapke muh mein pani aa gaya, to we'll say ki ji is tarah learning hoti hai. So we do all sorts of things. Abhi dekhe main aapko lecture de raha hu, aap log lecture sun rahe hain, kuch log ise record kar rahe hain, kuch log is program ko produce kar rahe hain. These are all behaviors. ये तमाम बिहेवियर की किस्में हैं और इन बिहेवियर्स को मुख्तलिफ तरीके से सीखा जाता है. इसके लिए स्किनर ने एक जो लर्निंग थ्योरी पेश की उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थी पावलोव की, जिसमें डॉग को सेलिब्रेट करना सिखाया गया था टू बेल एंड लाइट. व्हाट स्किनर डिड वाज ही सेड दैट बिहेवियर, if it is followed by a reward, if it is followed by reinforcement, it will be learned. ye bahut simply main aapko Skinner ke idea aapki khidmat mein pesh kar raha. Now but this is a very fundamental idea, this is at the heart of learning, ke hum agar kisi cheez ko sikhana chahte hain to uske liye hame koi na koi reward dena hoga. और जब वो रिवॉर्ड इंसान ले लेगा तो वो उस बिहेवियर को दोबारा करेगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बिहेवियर अकरिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर विल इंक्रीज इफ दैट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रिवॉर्ड. तो ये मुख्तसरन स्किनर का आइडिया था. मगर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी स्किनर और पावलोव और उसके अलावा वॉटसन और इन लोगों की आइडियाज में. But let's examine it. वो क्या चीज है? स्किनर के सामने जब बात की जाए मेमोरी की, जनाब वो फला चीज याद नहीं रही है, फला चीज भूल गए, तो स्किनर वुड से कि जनाब क्या चीज है मेमोरी, मैंने तो कभी नहीं देखी. मुझे तो ये पता है कि आपके सामने एक चीज रखी गई है वो जिसे वो रिवॉर्ड कह रहा है या स्टिमुलस कह रहा है, और आपने कोई बिहेवियर किया है, यानी आपने कोई ऐसी चीज की है जो आप जो उसे नजर आ रही है, राइट. सो व्हाट ही वाज सेइंग वाज, व्हाट स्किनर वाज सेइंग एंड व्हाट अदर लर्निंग थ्योरेटिशियंस वर सेइंग वाज दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इंटरनल टू द ह्यूमन माइंड. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेमोरी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माइंड और थॉट और फीलिंग्स और आइडियाज और इमेजेस. कॉन्शियसनेस इन जनरल वॉज वॉट दे कॉल्ड an unnecessary concept. अच्छा, अब ये एक बड़ी हैरान कुन सी पोजिशन है. अगर आप इसे हम माजी की तरफ देख रहे हैं तो ये सबके लिए आसान होता है माजी की एक चीज को क्रिटिसाइज करना, लेकिन जरा सोचें
Nobody had seen an atom, but people were talking about atoms based on how they behaved. People were talking about electrons based on how they behaved. But Skinner and his colleagues objected to memory, even though our behavior is a proof. We have something called memory. Our behavior is proof that there is something called thought. But Skinner and Watson preferred what they called the input-output model. They were interested in the input going into the system and the output coming out of the system. They were not interested in anything else. They said, mind is the black box and we'd like to keep it closed. We don't want to deal with this imagined abstract thing. इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो लोग इस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे थे कॉग्निशन में, थॉट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, माइंड के बारे में, मेमोरी के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, दे वर ऑल डिस्करेज्ड टू द एक्सटेंट even if they did a very thoroughly scientific experiment, it would not be published in a psychological journal. And that was the influence, so much was the influence of Skinnerian learning theory. Now that, we think, was a problem. That was a major flaw in the psychology of that time. Now, think about it. Why can't we talk about memory even if we can't see it? Why can't we talk about things that we can't see? There is nothing inherently scientific about things that we can see. So things started to change gradually. Aur usme jo pehli cheez hui hai, ahem cheez hui hai, wo thi information processing approach. Now, again, information processing approach comes out of two main streams. Ek stream thi human factors research. Human factors research mein, khas taur pe Second World War mein, Europe mein aur America mein, kaam ye hua ke log ye is cheez mein interested the ke skills kaise acquire ki jaati. Skills jo hain, unme expertise kaise develop hoti. इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, इंटेलिजेंस जो है क्या टोटली इनहेरिटेड है या उसे डेवलप भी किया जा सकता है, उसे सीखा भी जा सकता है. इस तरह के सवाल उठने शुरू हुए तो पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न डिफरेंट थिंग्स. जैसे एक अच्छा टेनिस प्लेयर है तो वो उसे क्या करना पड़ता है टेनिस सीखने के लिए, या एक मिलिट्री एप्लीकेशन के हवाले से हम बात करें तो एक अच्छा सोल्जर है उसमें क्या क्या स्किल्स उसे चाहिए होती हैं. तो इस हवाले से ह्यूमन फैक्टर्स रिसर्च शुरू की गई. दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन थ्योरी ने जन्म लिया. इंफॉर्मेशन थ्योरी के बहुत सारी रूट्स हैं आगे, लेकिन मिलिट्री ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया मिसाइल्स और इन चीज़ों की डिवेलपमेंट में, जो भी मिलिट्री सिस्टम्स जो हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, जिसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट की ज़रूरत हो. तो साइबरनेटिक्स और सिस्टम्स थ्योरी जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन थ्योरी की बुनियाद हुई. यानी कि एक मशीन जो है उसमें जब इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है तो उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये मैं ब्रीफली इसके बारे में इस वक्त बता रहा हूँ. और थ्रू आउट इस कोर्स में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करते रहेंगे और इसलिए फिलहाल इतना ही काफी. तो अब आइए कि ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन लेकिन आया कैसे, हाउ डिड पीपल फाइनली गेट द लाइसेंस, अगर मुझे ये कहने के लफ्ज इस्तेमाल करने की आप इजाजत दें, तो हाउ डिड वी गेट द लाइसेंस टू टॉक अबाउट माइंड, टू टॉक अबाउट थॉट्स. क्योंकि वो स्किनर और उसके साथियों का लर्निंग थ्योरी के हवाले से साइकोलॉजी की फील्ड पर मुकम्मल कब्जा था. नोम चॉम्स्की नामी एक अमेरिकन लिंग्विस्ट ने, नोम चॉम्स्की ने ये आइडिया दिया कि लैंग्वेज जो है
वो जवाब है ये सिंपल इनपुट आउटपुट साइकोलॉजी। लैंग्वेज जो है वो इस बात का सबूत है कि सिर्फ ह्यूमन प्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर जो है कैन नॉट बी यूज्ड एज द सोल फीचर ऑफ साइकोलॉजी, इट कैन नॉट बी द सोल सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। उसने कहा कि लैंग्वेज इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी बिहेवियर दैट स्किनर कैन प्रोड्यूस इन हिज सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल चॉम्स्की ने कहा कि ये एक सेंटेंस लीजिए, ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। अब ही सेड वी ऑल नो, एनीबडी हु स्पीक्स इंग्लिश नोज दैट दिस इज अ नॉनसेंसिकल सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी जो मीनिंग्स हैं, सिमेंटिक्स जो हैं इसमें वो गलत। बट इज इट अ ग्रामेटिकल सेंटेंस, ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक एडवर्ब है। He said, yes, most children will tell you that even though this sentence is semantically or meaning-wise nonsense, grammatically it is a correct sentence. So, usne kaha ki language ke bare mein hamari kuch intuitions hain. Misal iski yun le ke unhone bachchon mein observe kiya, maslan chote bacche ne machli mangi, fish mangi, so he said fish. He couldn't say fish, so he said fish. His mother said fish, so mother ne exactly wahi sounds repeat kiye jo ke bacche ne kiye. The child knew that this was wrong. Child said no, fish, right? Bacche ne fish kaha, maa ne wahi word reproduce kiya. Bacche ko ye, lekin sunte waqt bacche ko pata tha ki nahi, fish nahi. बच्चे ने कहा नो फिश, मदर नाउ अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट फिश, सो द मदर सेड ओ फिश, व्हाट डज द चाइल्ड से, सेड यस फिश। सो बच्चे की जो है आवाजें तीनों दफा आइडेंटिकल, वो पहले भी फिश कह रहा है, दूसरी दफा भी फिश कह रहा है, तीसरी दफा भी फिश कह रहा है, लेकिन जब माँ ने फिश कहा तो बच्चे ने कहा यस फिश। What Chomsky wanted to demonstrate by this was that there are things happening inside the head. Hamare zehen mein bahut kuch ho raha hota hai jo hum produce nahi kar sakte. Lekin iska ye matlab nahi hai ki hum ye kahenge kyunki hum wo dekh nahi sakte hain to isliye hum uske bare mein baat nahi karenge. So language was used as the main line of attack on learning theory and it was a very successful attack. तो चॉम्स्की के इस पेपर के साथ जो एक और डेवलपमेंट हो रही थी, जो कि मेरे ख्याल में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन उसके बगैर हो ही नहीं सकती थी, दैट वाज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ने जो कि एक, अगर आप एक कंप्यूटर को देखें तो एक सिंपल सी मशीन है, राइट? लेकिन उस मशीन में मेमोरी होती है और उस मशीन में, उस मेमोरी के अलावा वर्किंग मेमोरी होती है, यानी एक तो वो मेमोरी है ना जिसमें आपने स्टोर की हुई है चीज, फिर एक वो मेमोरी है जिसको हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उस कंप्यूटर में इनपुट होती है और आउटपुट होती है, ठीक है, और एक मशीन है जिसको, एक मशीन का अगर आप लेवल देखें, हार्डवेयर को अगर आप देखें, तो आपको सिर्फ हार्डवेयर को देखने से ये समझ नहीं आएगी कि जो काम कंप्यूटर कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो सिर्फ ब्रेन को अगर हम काट के देख लें तो उसमें इन दोनों में न्यूरॉन्स नजर आएंगे, जैसे अगर हम इस कंप्यूटर को काट के देख लें तो इसमें हमें डिफरेंट बिट्स ऑफ हार्डवेयर नजर आएंगे। तो एनालॉजी बड़ी जबरदस्त है कि इधर भी हार्डवेयर है न्यूरॉन्स की शक्ल में, इधर भी हार्डवेयर है मशीन की शक्ल में। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी जो है, उस सब के पैरेलल ह्यूमन माइंड में भी चीजें होंगी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगी। सो कंप्यूटर्स बिकेम द लिविंग एविडेंस ऑफ अ मशीन दैट कैन थिंक, इफ आई कैन यूज द वर्ड, एट डिफरेंट लेवल्स। और फिर एक और फील्ड सामने आई, कंप्यूटर्स
और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि इंटेलिजेंस जो है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, क्या वो मशीन वैसा ही काम कर सकती। आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, लेकिन इसके भी दो पहलू। एक ये पहलू है कि क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसान से बेहतर काम कर सके। तो कुछ लिहाज से अगर आप देखें तो कैलकुलेटर है। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब इस वक्त 4937 मल्टीप्लाइड बाई 2389 कीजिए, तो आपका जहन जो है वो शायद उसे भूल भी गया हो कि मैंने नंबर्स कौन से दिए। लेकिन आप उसे कैलकुलेटर में डालेंगे या कंप्यूटर में डालेंगे तो वो फटाफट आपको उसका जवाब दे दे। सो एक तो ये हुई, लेकिन व्हाट साइंटिस्ट वो मोर इंटरेस्टेड इन वाज हाउ वी कैन रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब कोई पूछ सकता है कि जी व्हाई आर वी मोर इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि मशीन्स तो आगे बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन हमें बहुत जल्द ये पता चल गया, बहुत जल्द ये पता चल गया कि मशीन्स बहुत सारे एरियाज में बेहतर काम कर ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल आगे भी बहुत सारी, आगे ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी, लेकिन इस वक्त मैं फेस रिकग्निशन की मिसाल देता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर को, जिसे आपने सिखा दिया है फेसेस मैच करना, उसे अपना फेस दिखा दें और उसे कहें कि जनाब जब भी तुम इस फेस को देखोगे रिकग्नाइज कर लोगे, अब 6 साल के बाद, या लेट मी इंक्रीज दिस ड्यूरेशन, 20 साल के बाद जब आपने उस फेस को कंप्यूटर को दिखाया, कंप्यूटर उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? तो कंप्यूटर ने तो एग्जैक्ट मैचिंग करनी है। आपका फेस एज के साथ चेंज हो गया, आपके बालों की जो झुरियाँ वगैरह होती हैं, फेशियल हेयर होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। कंप्यूटर विल रिजेक्ट दैट फेस। ह्यूमन बीइंग विल रिकग्नाइज द फेस एंड से आपको कहीं देखा है, कम अज कम ये जरूर होगा। तो एंड देर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट दैट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी तरह शतरंज की मिसाल, इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ चेस, देर इज नो वे अ कंप्यूटर थ्रू ब्रूट फोर्स, मशीन फोर्स, कैन बीट अ ह्यूमन बीइंग एट चेस। शतरंज में कंप्यूटर एक इंसान को बीट नहीं कर सकता, और इसीलिए अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि चेस में इंसानों को बीट कर देते हैं, उनके लिए आपको ह्यूमन बीइंग्स चाहिए जो कि उन्हें प्रोग्राम करें। सो ह्यूमन बीइंग्स हु आर गुड चेस प्लेयर्स, देयर गेम्स आर एंटर्ड इनटू द सॉफ्टवेयर सो दैट अदर ह्यूमन बीइंग्स कैन बी बीटन एट इट। कंप्यूटर किसी तरह से भी जो है इंसान को अपनी सिर्फ मशीन की फोर्स से चेस में शिकस्त नहीं दे सकते। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग जो थे वो इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि हाउ डू वी रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स। सो दैट अगेन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, जिसकी डेवलपमेंट और कंप्यूटर्स की पैरेलल डेवलपमेंट, और तीसरी तरफ चॉम्स्की की स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वे हैरल्डेड कॉग्निटिव साइकोलॉजी and the age of cognitive psychology. उसी जमाने में ब्रॉडबेंट नामी एक साइकोलॉजिस्ट जो कि इंग्लैंड में काम कर रहे थे, उन्होंने विजुअल परसेप्शन पे, अटेंशन पे और मेमोरी पे काम करना शुरू किया इन चीज़ों को समझने के लिए। बार्टलेट थे जिनके मेमोरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले से मौजूद थे, लेकिन उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई सिर्फ लर्निंग थ्योरी की वजह से। तो अब बार्टलेट के एक्सपेरिमेंट जो हैं मेमोरी में, उन्होंने भी इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। एंड देन इन द 60s अ बुक इमर्ज्ड, इट वाज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट वाज रिटन बाय अ साइकोलॉजिस्ट बाय द नेम ऑफ अल्रिक नाइसर, एंड इट वाज अ ब्रेकथ्रू बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाज यूज्ड इन अ बुक। एंड व्हाट इट सेड वाज दैट देयर इज अ फील्ड ऑफ कॉग्निशन in which we are going to talk about memory, in which we are going to talk about learning in the context of human consciousness, in which we are going to talk about images and icons, and
we are not going to shy away from talking about internal thoughts and images and visions. Yes, it was nothing like the introspection of old days. Okay? As we go along this course, we will realize कि इसमें वो बात नहीं थी कि जनाब आपसे मैं पूछूं कि अच्छा आंखें बंद कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा, तो आप आंखें बंद करें और तसव्वुर करना शुरू कर दें कि हाँ जी मैं देख रहा हूँ इस वक्त मेरे सामने एक पर्पल रंग का ऑरेंज है, या एक जिसे कहते हैं येलो कलर का एलिफेंट, एंड सो ऑन. सो आई कैन डू दीज एक्सपेरिमेंट्स, और मुझे यकीन है कि जब मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो आप भी उन चीज़ों को तसव्वुर कर रहे हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं और इस बात को टेस्ट नहीं किया जा सकता. जबकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया कि ये थॉट्स, ये लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस, ये विजन्स, ये इमेजेस और ये सारी जो चीज़ें हैं ये साथ साथ चल रही हैं. From this book, we learned about a whole series of experiments that Neisser and others had done. There was work by Treisman. There was work by McClelland and Rummelhart. There was work by all these people about whom we will talk in later lectures. But for now, what I want to emphasize is that there is a field in psychology about which we don't know much in Pakistan. Pakistan mein cognitive psychology ke bare mein zyada information nahi hai. Many psychologists who have been around are not familiar with this area, aur uski wajah shayad ye hai ke in the last 20-30 years there hasn't been much flow of research from the West, psychological research ka flow nahi hua. So is waqt yahi koshish hai hamari ki cognitive psychology jo hai, it should form part of our main curricula in all departments of Pakistan. In National Institute of Psychology, the subject has been introduced. The subject has been introduced in the Higher Education Commission syllabus, and what we are trying to do is also teach this subject here in the virtual university. The idea being that we need to learn about experimental ways of gaining knowledge about human mind and human information processing. Now notice, I've used the term human information processing. What does it mean? It means that anything that is impinging on my senses, any sensations that I am getting right now, are a kind of information. And that information is being processed first by my visual system, about which I will give you an introduction later in the course. Then from the visual system, deeper into the nervous system, deeper into the cerebral cortex, deeper into the mind. So what will happen then? The sensation, the information that I'm getting from through light or through the sense of touch or through the sense of smell or hearing is entering my system, and this information is now being processed. Maslan, aap ek party mein gaye और उस पार्टी में आप बैठे हुए हैं और बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपको वो सारी आवाजें आपका सिस्टम सुन तो रहा है एक लेवल पे, लेकिन उस सबको तवज्जो नहीं दे रहा, उसमें से कुछ ही बातें आपको पहुंच रही हैं. इसका सबूत ये है जिसे हम कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमिनन, जिसमें आपने किसी आपका नाम किसी ने लिया, कमरे की दूसरी जानिब से उन्होंने आपका नाम लिया तो फौरन आपकी तवज्जो जो है वो उन साहब की तरफ हो जाती. अब ये कैसे हुआ? अगर तो आप वो सुन ही नहीं रहे थे जो लोग बातें कर रहे थे, तो फिर आपने अपना नाम कैसे सुना? और अगर आपने अपना नाम
سنا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے, لیکن حقیقت میں تو آپ توجہ دے رہے تھے اپنے گروپ کو جہاں پہ آپ بیٹھیں گے. سو دوز کائنڈ آف فینومینا پوز اے ویری سیریس پرابلم اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. آر وی لسننگ ٹو ایوری تھنگ؟ اینڈ اف وی آر لسننگ ٹو ایوری تھنگ, ہاؤ آر وی ایبل ٹو پروسیس آل دی انفارمیشن؟ بٹ وی نو فرام ایکسپیرینس that we don't listen to everything. We pay very selective attention to the people that we are talking to. So, the example that I just gave you, the cocktail party phenomenon, will emerge again in our discussions. Lekin ye sirf main aapko ek taaruf isliye pesh kar raha tha is example ke zariye ke aapko samajh aaye ki kitna complex hai ye relationship. Hum sunte hain, sab kuch sunte hain, lekin shayad ek level pe sunte hain aur us ek level ke baad ہمارا مائنڈ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں, اس کو پھینک دو, یہ ہمیں نہیں چاہیے, اور صرف چند چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اہم چیز ہوتی ہے انوائرمنٹ, وی اٹینڈ ٹو اٹ. تو ہم اٹینڈ کبھی کریں گے نا اگر ہم اسے سن رہے ہیں, کم از کم ایک لیول تک تو سن رہے ہیں. تو دیٹ از دا کائنڈ آف سٹلٹی دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کے پھر کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نے ماڈلس بنائے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, تھیوریز ڈیولپ کی ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ ہم چلے تھے فلسفے سے کہ بھئی ہم کیسے سوچتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں, پھر ہم نے بات کی ایکسٹرنل ریالٹی کی, ایکسٹرنل ورلڈ کی, پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح انٹروسپیکشن جو ہے وہ ایک انٹرنل پروسیسز پہ فوکس کر رہی ہے, اور لرننگ تھیوری جو ہے وہ ایکسٹرنل پروسیسز پہ فوکس کر رہی ہے, جو کچھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ فوکس کر رہی ہے. ناؤ ان کوگنیٹو سائیکالوجی وی کم ٹو اے ہیپی marriage of these two approaches, جس میں ایکسٹرنل ریالٹی کو بھی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایز انفارمیشن, لیکن انٹرنل پروسیسنگ کے رول کو بھی ایمفسائز کر رہے ہیں. سراب کی مثال بہترین مثال, صحرا میں ہیں آپ, صحرا میں ریت کے اوپر ریفلیکشن کی وجہ سے آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ پانی ہے, اویسس ہے, اور وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کو پیاس لگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک ایکسٹرنل فینومینن ہے کہ لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ڈیزرٹ میں, اور ایک انٹرنل فینومینن ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی. ان دونوں کی یونین سے آپ کو سراب جو ہے صحرا میں نظر آتا ہے, آپ کو پانی نظر آتا ہے, اور آپ اس پانی کی طرف بھاگتے ہیں, لپکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے. So that example, I think, sums up the need for cognitive psychology, the need for understanding how we process information. Because we, if we are a machine, jaise log pehle kehte the, so we are a machine that processes information. Lekin agar hum itne mechanistic or materialistic na bhi ho, aur hum use dekhein, اس طرح دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, بلکہ اشرف المخلوقات ہیں, تو وی سی دا وزڈم, وی سی دا جینیس آف دس سسٹم دیٹ کین پروسیس انفارمیشن سو بیوٹیفلی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشین والی پرفیکشن چونکہ ہم میں نہیں ہے, ایگزیکٹ میچنگ چونکہ ہم میں نہیں ہے, اسی لیے ہم ایک چہرے کو 20 سال کے بعد بھی پہچان لیتے ہیں. The deliberately imperfect machine performs better. تو یہ ایسنس ہے, یہ جو ہے بہت میرے خیال میں اہم اور سینٹرل بات ہے کاگنیٹو سائیکالوجی کے بارے میں, کہ اٹ انہانسز آور انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ وی لک ایٹ دا ورلڈ, ہاؤ وی ٹیک اٹ ان, ہاؤ وی پروسیس اٹ, and how we understand it. We will talk more in future lectures about the different issues related to cognitive psychology. Inshallah, agle lecture mein we will talk more about the fundamental concepts of cognitive psychology. Thank you.